जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा था और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाल सकते हैं और किसी भी रेडॉक्स कपल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। तो अगर साल्ट का कंसंट्रेशन मोलर नहीं है, मतलब ये कि 1 mole/L नहीं है, तो यूनिटी पर नहीं है, तो उस केस में जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वह फिक्स्ड नहीं रहता है। साल्ट की कंसंट्रेशन के चेंज होने पर ये चेंज होता है और साल्ट के कंसंट्रेशन के फिक्स्ड हो जाने पर जब ये यूनिटी पर हो जाता है तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किसी भी रिडॉक्स कपल के रिएक्शंस करने के लिए या उसमें जो चेंज आती हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। कौन सा स्पेसीज ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा स्पेसीज रिड्यूस होगा, यह भी रिडॉक्स कपल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जिनको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिया है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन HCl। इट मीन्स व्हेन यू डिजॉल्व द कॉपर इन HCl इट विल नॉट रिएक्ट, मीन्स कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट जिंक डिजॉल्व इन इट, इट मीन्स जिंक विल रिएक्ट टू द HCl। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर रिएक्शन करता है जिंक रिएक्शन नहीं करता है? तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के कपल का दिया हुआ है +0.34 और जिंक का दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है, -0.76 वोल्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोगों को यह ध्यान देना है कि कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल्स हैं, पर एसिड HCl सेम एसिड लेने पर दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, केवल जिंक रिएक्शन कर रहा है। ये कपल यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें चीज आपको नोट कर लेना चाहिए वो ये कि जिस मेटल आयन का या जिस रेडॉक्स कपल का ई नॉट लार्जर होता है, ई नॉट लार्जर, वह क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, या इसके अपोजिट में हम देखें तो अगर ई नॉट स्मॉलर है, जिस भी स्पीसीज का ई नॉट स्मॉलर है वह क्या हो जाएगा, वह ऑक्सीडाइज होगा। जैसे इसमें दो चीजें हैं, एक तो कॉपर है और कॉपर को कहां डिजॉल्व किया है, HCl में डिजॉल्व कर रहा है, तो HCl क्योंकि एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहां से H+ फ्री होंगे, तो वह कॉपर रिएक्शन करेगा किससे, H+ से रिएक्शन करेगा। तो आप जानते हैं कि E नॉट यहाँ पे दिया नहीं है, फिर भी हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड E नॉट H+/H2 इसका कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। तो H का 0.00 वोल्ट होता है और कॉपर कितना होता है, 0.34 वोल्ट होता है। तो जिसका E नॉट लार्जर होगा वह क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि यहां पे देखिए कॉपर प्लस और कॉपर है, तो यह जो है इनमें से रिएक्शन किसका किसका हो रहा है, Cu+ + Cu का प्लस रिएक्शन किससे हो रहा है, H+/H2 से, ठीक है। तो इसका कितना है, +0.34 वोल्ट, और इसका कितना है, 0.00 वोल्ट।
कौन लार्जर है? लार्जर ये वाला है, इसका मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन होगा इसका, तो रिडक्शन होगा तो किसका रिडक्शन होगा? Cu++ प्लस, अब Cu++ को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए H2, H2, यह Cu++ से H2 रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? Cu प्लस 2H+ बनाएगा, Cu प्लस 2H+, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम इसके कॉपर का रिएक्शन और H के रिएक्शन दोनों को अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां लिखता हूं H2, H2 का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहां हमने लिखा है कि जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसका मतलब कि H2 क्या होगा? यहां पे ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो H2 ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और जो कॉपर प्लस है इसकी वैल्यू क्या है? कॉपर प्लस की वैल्यू लार्जर है, लार्जर वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब कि आपको क्या लेना पड़ेगा? Cu++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां ले लिया, 3 मिल गया कॉपर, और इन दोनों रिएक्शंस को करने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? Cu++ प्लस H2 इट गिव्स Cu सॉलिड प्लस 2H+, ये एक्वस है, ये भी एक्वस कर लीजिए, यहाँ पर भी आप एक्वस कर लें, तो जहाँ कहीं भी आयनाइज कंडीशन हो वहाँ पे एक्वस कर लीजिएगा। और यह H2 क्या है? यह गैसियस है। सो फ्रेंड्स, यह देखिए यह रिएक्शन दोनों सेम हो गए। अब इसमें से आपको यह बताना अगर हो कि कौन एनोड पे हो रहा है, कौन कैथोड पे हो रहा है, तो कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो मतलब ये कि कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। और यह रिएक्शन क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। इसमें आप समझ गए कि क्यों कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉपर वहां पर डिजॉल्व नहीं हो रहा। अगर वहां पे कॉपर के आयंस प्रेजेंट हैं तो वो आयन कॉपर में चेंज हो जाएंगे, जबकि डिजॉल्व होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉपर को एक्वस कंडीशन जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कॉपर रिड्यूस हो जा रहा है। दूसरा केस हम देखें तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड केस पे आइए, तो सेकेंड केस कह रहा है कि जिंक जेडियन, जिंक जो है HCl में रिएक्शन कर रहा है। तो देखें रिएक्शन कैसे कराएंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं भाई Zn सॉलिड प्लस, रिएक्शन किससे किससे हो रहा है? जिंक का और हाइड्रोजन का, क्योंकि इस वाले में किसका लिखा था? ऐसे एक फ्रेम आप बना लीजिएगा शुरू में जिसका रिएक्शन पूछे। तो जिंक का रिएक्शन कॉपर का था, अभी जिंक का रिएक्शन एच प्लस से करा रहा है, ऐसे लिख लीजिएगा एच प्लस से। अब यहाँ पे आपको ये जो की मिला है, इस की को हमेशा ध्यान रखिए, इस की को आप अपनी कॉपी पर ऊपर लिख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लार्जर वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, स्मॉलर वैल्यू हो जाती है, ऑक्सीडाइज होती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि Zn और H+ में किसकी वैल्यू लार्जर है? जिसकी लार्जर होगी वह क्या होगा? रिड्यूस होगा। देखिए ध्यान से, तो Zn का कितना है भाई? -0.76, और H का कितना है? 0.06। कौन लार्जर हो गया? H लार्जर हो गया, तो H रिड्यूस होगा। तो जब H रिड्यूस होगा तो हमने इस रिएक्शन को सही लिखा है, इसको हम हिसाब से कर लें, तो इसको कर लेंगे Zn2+ प्लस H2, इसको दो कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इसके दोनों रिएक्शन को आप अलग करना चाहते हैं तो कैसे करें? देखिए Zn सॉलिड ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो Zn++ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या हो गया? ये H2 बन गया, रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए, तो बन गया Zn सॉलिड H2 गैस है प्लस 2H+ एक्वस गिव्स Zn++ एक्वस प्लस H2 गैस। देखिए ये रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक को जब एसिड में मिलाएंगे, कौन से एसिड में? HCl की एसिड में, तो जिंक क्या होगा? वहां पे डिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि जिंक का सॉल्ट बन जाएगा, ये आयनाइज हो जा रहा है।
तो इसका साल्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक जो है HCl से रिएक्शन कर रहा है, जबकि इस केस में हमने देखा था कि कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा था। अब अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सा रिएक्शन इन दोनों में से, कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, तो ये तो बहुत आसान इस पहचान में गया। यह वाला रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन है, और यह वाला रिएक्शन कौन सा है, यह वाला रिएक्शन रिडक्शन है। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यह वाला रिएक्शन क्या है, ये वाला रिएक्शन रिडक्शन है, और ये वाला रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो फिर से आते हैं, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, जिसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय जो है जितनी भी चीजें हैं जैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो सारी बातों को अगर प्रॉपर लेके चलेंगे तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ एग्जाम में चाहे कहीं से भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ी सी चीज को थोड़ा करके ना पढ़ें, उसके बारे में सारी चीजों को स्टडी करते जाएं। अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोई प्रॉब्लम है तो मेरी पिछले वीडियो को जाकर देखिए, इसमें मैं लिंक दे दूंगा अपने सारे वीडियोज का, आप वहां पे देखिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करिएगा। तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं और इसको आप फटाफट नोट करिए। ओके, फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन इन जिंक पॉट, क्या हम जिंक के बर्तन में एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, जबकि ई नॉट वैल्यू दी हुई है, कॉपर ऑब्लिक कॉपर यहाँ होगा, कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक का है ई नॉट सेल -0.76 बोल्ट। सो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इसको समझना, ध्यान दीजिए। आपको मैंने एक चीज बताया था, यहाँ पे जो की लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, वो था कि लार्जर ई नॉट क्या होता है, लार्जर ई नॉट जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कपल बना हुआ है, रेडॉक्स कपल बना हुआ है, ये है कॉपर का और जिंक का, तो इसमें आपको देखना है कि किसकी वैल्यू लार्जर है, जिसकी वैल्यू लार्जर है वो रिड्यूस होगी। इसका मतलब कि ये देखिए वैल्यू लार्जर है तो ये रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब हम रिएक्शन को ऐसे लिख दें, अगर Cu++ ऑब्लिक ZnSO4 सॉरी Zn Cu++ ऑब्लिक Zn, क्योंकि जिंक का होगा, जिंक की वैल्यू स्मॉलर है तो स्मॉलर वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है। सो स्मॉलर वैल्यू ऑक्सीडाइज होगी, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इससे रिएक्शन ये होगा आपका कि Cu सॉलिड हो जाएगा और Zn जो है ऐसे हो जाएगा, या इसको कंप्लीट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि CuSO4 प्लस Zn, सो ये हो जाएगा Cu सॉलिड, इसको इक्वस कर लीजिए, इसको सॉलिड कर लीजिए, प्लस Cu SO4 प्लस ZnSO4। सो इसका मतलब यह है कि हम लोग 10th में पढ़ रहे थे ना कि कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है या जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी वही डिसीजन निकल रहा है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए यह जो है जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से सेपरेट कर देगा, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उससे कॉपर सेपरेट हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। इसका मतलब कि हम लोग जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक सेल बन जा रही है, कैसी सेल बन जा रही है,
ये गैल्वेनिक सेल बन जा रही है, गैल्वेनिक सेल बन जा रही है। अच्छा, तो जब ये गैल्वेनिक सेल बन जा रही है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है, तो इस सेल का या ये जो कॉपर और जिंक को मिलाया, इसको मिलाने से ईएमएफ कितना बनेगा? तो हमें ईएमएफ मालूम है ना, ईएमएफ या इसको कहते हैं ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और आपको ये भी मालूम है कि कैथोड कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, और एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ठीक है, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से ये जो रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन कैथोड पर हुआ और कौन सा रिएक्शन एनोड पर हुआ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये है कॉपर प्लस प्लस, पहले जिंक ले लें, चलिए पहले जिंक ले लेते हैं। तो ये जिंक है, जिंक सॉलिड है, और जिंक सॉलिड बदल गया, इसमें जेडियन एक्वस में बदला है, और यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, लो मिल गया एनोड आपका, ये एनोड पर होता है। और दूसरा है कॉपर प्लस प्लस, ये टू इलेक्ट्रॉन्स लिया और ये बदला है कॉपर में, सॉलिड में, तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, चलो मिल गया, कैथोड भी मिल गया, एनोड भी मिल गया, चाहे तो रिएक्शन को जोड़ दी, जोड़ेंगे तो यही वाला है। तो आपको कैथोड भी मिल गया, एनोड भी मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि ई नॉट सेल इक्वल टू दी ई नॉट, किसका ई नॉट, कैथोड का। यहां से देखिए ई नॉट कैथोड, तो कैथोड पे कौन है, ये है, इसका मतलब कॉपर वाला, तो कॉपर कितना है, ये है, इसका मतलब ये हो गया, आप सीधे डायरेक्टली लेते हैं, फॉर्मूला वहां पे है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.34, फिर माइनस ई नॉट कैथोड एनोड, सॉरी ई नॉट एनोड, एनोड कितना है, कौन है, ये है, नाम जिंक वाला, तो जिंक का यहां दिया हुआ है माइनस 0.76, तो ये आप लिख लीजिए माइनस 0.76, ये पॉइंट है, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 10, मतलब ये हो गया आपका 1.10 वोल्ट। देखिए ये निकल गया आपका ईएमएफ, ई सेल निकल गया। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जो मांग रहा है, आपको एग्जाम उतना ही देना चाहिए, उससे एक्सेस करने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप अपनी जब प्रिपरेशन करें या जब अपनी आप पढ़ाई करें, तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को खुद ब खुद सॉल्व करते जाइए, जो भी चीजें उससे रिलेटेड है सभी चीजों को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि एकदम प्रिपरेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी मैं इस चैप्टर के अंत में लास्ट में बताऊंगा कि इस चैप्टर से बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, और खुद ब खुद बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, आप उनको सॉल्व करिए। अच्छा फ्रेंड, हमने यहाँ पे क्या निकाला, ई नॉट सेल निकाला, मतलब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकलता है, जब साल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी पर होता है, ठीक है ना, साल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी पर होता है। लेकिन अगर किसी सेल का, गैल्वेनिक सेल का, अगर किसी सेल का साल्ट कंसंट्रेशन यूनिटी पर ना हो, अननोन कंसंट्रेशन में हो, यूनिटी पे ना हो, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन पे हो, उस कंसंट्रेशन में हम कैसे पता करें कि इस सेल का ईएमएफ इतना होगा, क्योंकि किसी भी सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, और हमेशा ऑलवेज स्टैंडर्ड सेल बना करके ईएमएफ को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होगा। इसलिए अगर हम कोई ऐसा मेथड जान जाए जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी पर ना हो, फिर भी हमको कैलकुलेशन के थ्रू उसका ईएमएफ मालूम हो जाए, इससे मालूम हो जाए, तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो ठीक है, हम लोग उसी टॉपिक पर आएंगे, और उस इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसको नर्स्ट ने दिया था, तो हम लोग अगला टॉपिक वही पढ़ने जा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन का। फिर देखिए नर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो फ्रेंड्स देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों पढ़ा है, तो उसमें क्या था कि अगर हम साल्ट का कंसंट्रेशन यूनिटी पर ले लेते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है या जो सेल पोटेंशियल आता है, उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं,
लेकिन अगर जो साल्ट है उसका कंसंट्रेशन यूनिटी पर ना हो पर हमको उसकी कंसंट्रेशन नोन हो, ऐसी केस में उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होगा और कैसे कैलकुलेट होगा, उसी के लिए हमको जरूरत पड़ती है नॉन स्टिक इक्वेशन की। तो फ्रेंड्स आते हैं फटाफट नॉन स्टिक इक्वेशन पे। देखिए जैसे हमने मान लिया कि कोई एक मेटल आयन है, ठीक है, ये मेटल आयन है और इस मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये बन गया क्या एम सॉलिड बन गया, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन हमको नोन नहीं है, ये मेटल आयन है इसका कंसंट्रेशन हमको नोन नहीं है, और ऐसे केस में यह जो कोई पर्टिकुलर मेटल होगा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नोन है क्योंकि वो फिक्स होता है तो वो मालूम है, पर यह कंसंट्रेशन इसका क्योंकि नोन है पर यूनिटी पर नहीं है तो उस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ई एम प्लस ऑब्लिक एम, मतलब ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल आयन इज इक्वल टू दी ई नॉट एम प्लस एन प्लस कर लीजिए, एन प्लस यहाँ पर भी एन कर लीजिए, एन प्लस एन है ऑब्लिक यम, ठीक है। यह क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस मेटल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल माइनस आर ई बाई एन एफ, ठीक है, एल एन मेटल आयन का मेटल कंसंट्रेशन अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे है यम एन प्लस, ये एन प्लस का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गए ऑक्सीडाइज कंडीशन में, तो यह यम का कंसंट्रेशन है क्योंकि यह मेटल सॉलिड कंडीशन है तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी पर होता है। इस सॉलिड कंडीशन में मेटल का जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी पर होता है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल टू द ई नॉट एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस आर टी एन एफ एल एन वन अपॉन यम एन प्लस। यही है नर्स्ट इक्वेशन। तो ये ई सेल है, ये ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको मालूम होता है फिक्स होता है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर केल्विन में, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडे कांस्टेंट, नेचुरल लॉग वन अपॉन एम एन प्लस। सो फ्रेंड्स इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन निकलता है। अच्छा हम लोग जानते हैं डेनियल सेल के बारे में, जानते हैं ना डी ए एन आई डी एल डेनियल सेल। सो डेनियल सेल का नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो या सेल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो आपको डेनियल सेल एक बार फिर से याद दिलाते हैं। देखिए डेनियल सेल क्या था, ऐसे दो ठो बीकर थे और इसमें इधर कॉपर की रॉड लगी थी और इधर जो है इधर जिंक की रॉड लगी हुई थी और दोनों को जोड़ दिया गया था साल्ट बीच से और यहाँ पर जो है ऐसे लगा दिया गया था। यह जो है जिंक है और ये जिंक सॉरी यह जो है कॉपर है और ये कॉपर का सॉल्ट है, इधर क्या है जिंक है और यहाँ पर जिंक का सॉल्ट है। तो कन्वेंशन के हिसाब से जो राइट साइड होता है वो कैथोड का होता है, तो ये कैथोड हो गया और यह साइड किसका हो गया, ये साइड एनोड का हो गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इसमें जो है सेल पोटेंशियल वो कितना होगा, सेल पोटेंशियल को क्या लिखेंगे हम लोग ई सेल इक्वल टू क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। तो कैथोड पर कौन है कॉपर कपल है और एनोड पर कौन है जिंक कपल है, तो यहाँ पर हम लोग पहले ई कैथोड निकाल लेते हैं। तो
ई कैथोड, कैथोड में कौन है, कॉपर है, तो कैथोड कॉपर प्लस प्लस ऑब्लिक कॉपर इक्वल टू दी क्या होगा, ई नॉट सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी, एन की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और कॉपर रिड्यूस होता है, टू इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ हो जाएगा एन की वैल्यू टू एफ एल एन वन अपॉन कॉपर प्लस प्लस, ये हो गया। और अगर हम लोग ई एनोड देखें, ई एनोड तो एनोड में कौन है, जिंक है, ई जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, ई नॉट जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन, इसी क्वेश्चन भर लीजिए बस सीधे सीधे, माइनस आर टी टू एफ, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, और एल एन वन अपॉन जेड एन प्लस प्लस, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग ई सेल के क्वेश्चन में भर दें, मतलब ये कि कैथोड मैंने से नोट कर दें, ये कैथोड है, ये इतना था कैथोड का, और ये इतना क्या है, ये है एनोड का, तो अब हम लोग क्या कर लें, कैथोड मैंने से नोट कर लें, तो हमको मिल जाएगा ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी टू एफ, ई कैथोड में क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है, उसी को हम लोग भर रहे हैं, एल एन वन अपॉन सी यू प्लस प्लस, ये हो गया। फिर माइनस ई नॉट ये वाला जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन प्लस आर टी टू एफ एल एन वन अपॉन जेड एन प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करिए कि ई नॉट सी यू प्लस प्लस और ई नॉट जेड एन को एक्साइड कर लें अगर हम लोग, तो ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट, ठीक है, ई नॉट जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन, ये हो गया, माइनस आर टी टू एफ एल एन, एल एन हो गया वन अपॉन सी यू माइनस वन अपॉन सी यू माइनस वन अपॉन जेड एन माइनस एल एन वन अपॉन जेड एन प्लस 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 प्लस, ठीक है। फिर इसको हम लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई, ये ई नॉट सेल है ना, कैथोड माइनस एनोड, तो इसका मतलब ये हो गया ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल हो गया माइनस आर टी टू एफ एल एन, ये हो जाएगा एल एन सी यू प्लस प्लस ऑब्लिक ऑब्लिक जेड एन प्लस प्लस, ये मिल गया हमारे लिए। क्या है ये डेनियल सेल का नर्व्ड इक्वेशन बनता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा जेड एन, सॉरी ये हो जाएगा जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक सी यू प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखिए ये कि यह जो स्पीसीज है वो ऑक्सीडाइज की स्पीसीज है, और ऑक्सीडाइज कहां पर है, ऑक्सीडाइज होता है एनोड पर, तो जो मेटल एनोड पर होता है ये उसकी इसका जो आयन होता है वो रहता है, और ये कैथोड पे जो रहता है
ये रहता है ऐसा। तो इसको अगर हमको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि E cell equal to the not cell minus RT PF ln anode minus upon anode upon cathode, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए और यही है डेनियल सेल का नर्म्स इक्वेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आपने नल्स इक्वेशन डैनियल सेल के लिए अभी निकाला और वो क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल आर टी टू एफ एल एन जेड एन प्लस प्लस सी यू प्लस प्लस, मतलब ये जिंक आयन का कंसंट्रेशन है और ये कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, तो ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है और ये रिड्यूस्ड स्पीसीज है। अब क्योंकि इसमें इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसको एल एन को हमको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है 2.303 का मल्टीप्लाई, और R क्या है, R गैस कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो 8. मींस R इक्वल टू दी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो गया R। T टेंपरेचर है, केल्विन टेंपरेचर 273। F क्या है, एफ है फेराडे कांस्टेंट, तो होता है 96,487 कूलॉम्ब मोल इनवर्स, ये हो गया। टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है केल्विन में, तो अगर हम ये वैल्यूज और एलएन को चेंज करने के लिए 2.303 वो मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन हमारा बनता है, इसको हम लोग खुद ही रहने देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 बाई एन, इस टू को हमने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये सारे इक्वेशन में काम करेगा, तो एन इस टू को यहाँ पे नहीं लिखा गया था, इसको आप टू एफ लिए तो आप एन एफ लिख सकते हैं, तो एन लॉग अब एल एन बदल गया लॉग में, लॉग बेस 10 है ये, जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिग सी यू प्लस प्लस। अब इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हमको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेन इक्वेशन है जिसको हम लोग आसानी से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये हर साल एग्जाम में आता है, जैसे हम पेपर देखते हैं हमारे पास ये 2020 का पेपर है 56/3/2 कोड नंबर है इसका, इसमें देखिए एक क्वेश्चन है इस इक्वेशन पे कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन फॉर द रिएक्शन, तो ये इस सेट में इसको दिया है, ये वर्क डन निकालना है, किसी दूसरे सेट में दिया होगा इसे निकालने के लिए, तो इस तरह से क्योंकि सेट यहाँ पे 3 सेट्स बने हुए सेकंड सेट है, तो कहने का मतलब ये है कि यह इक्वेशन और यह नल्स इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। अब अगर कोई सेल दिया हुआ हो, कोई भी किसी तरह का सेल दिया हो और उस पर कहे कि नल्स इक्वेशन तैयार करो या लिखो, तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और इस पर कह रहे हैं कि इस पर आपको नल्स इक्वेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स ये सेल को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, देखिए ये जो दो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को, ये साल्ट ब्रिज हो गया, और ये जो सिंगल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं साल्ट बैरियर, ये हो गया साल्ट बैरियर। एक्चुअली इस साइड में जो लेफ्ट साइड है इसका, यह लेफ्ट साइड एनोड को रिप्रेजेंट करता है और ये राइट साइड जो है ये इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसका कैथोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस साइड में क्या होता है कि रिडक्शन होता है। सो फ्रेंड्स इजीली आप अब फाइंड कर सकते हो, देखो इसके एक बार हम लोग इसका सेल रिएक्शन लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा, या आप कहिए कि ये भी वर्क पूरा हो जाएगा, तो इसका हम लोग सेल रिएक्शन लिखिए, आप खुद से ट्राई करिए,
सेल रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ मतलब कि निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ni Ni प्लस Ag आयन इससे बना होगा Ni 2 प्लस, मतलब 2 Ag प्लस करना पड़ेगा, और प्लस 2 Ag, तो ये सेल रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन है। आप इसके अलग अलग एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे देखिए Ni सॉलिड का ऑक्सीडेशन हुआ और ये दिया Ni 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या बना 2 Ag सॉलिड। तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पर और ये रिडक्शन है, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है कैथोड पर, ठीक है। अब इसका हमको क्या लिखना है, नर्व इक्वेशन लिखना है, तो नर्व इक्वेशन के लिए क्या है भाई, मेन इक्वेशन तुम्हारे पास यही है, तो हो जाएगा ई सेल, ठीक है, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस, अब ये ई नॉट सेल आपको दिया रहेगा एग्जाम में, इसकी वैल्यू दी रहेगी, क्योंकि ई नॉट सेल जो Ni और Ag सेल से बनेंगे ई नॉट, उसको निकाला जाएगा, या फिर सेपरेटली ई नॉट Ni ऑब्लिक Ni और Ag ऑब्लिक Ag का दिया होगा, और उससे हम लोग ई नॉट कैथोड ई नॉट माइनस एनोड करके हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे, याद है ना, ई नॉट सेल इक्वल टू दी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो इससे सॉल्व करके हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे, अगर Ni का दिया हुआ है Ag का दिया हुआ है तो, अदरवाइज वो ई नॉट सेल सीधे से दिए रहते हैं क्वेश्चन में, तो जैसा भी कंडीशन हो माइनस, क्योंकि अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमें मिलेगा RT NF LN ZN CU, तो इसकी वैल्यू अगर पूरा सॉल्व कर, तो हर बार इसको आप इतना ही लिखिए, हर बार लिखिए, अब हर बार ये सब चीज़ें नहीं लिखिए, सीधे से ये लिखिए, तो माइनस 0.059 बाई N, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई 2 हैं, तो इसको अब आप बदल दीजिए 2 log ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडाइज हुआ है निकिल, तो या एनोड बाय कैथोड, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग Ni2+ कंसंट्रेशन और ऑब्लिक Ag कंसंट्रेशन, तो ये बन गया नर्व इक्वेशन इस सेल का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं, किसी भी सेल का ई सेल हम लोग लिख सकते हैं नर्व इक्वेशन के अनुसार। तो अभी तो हम लोग फार्मूला लिखना सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। अब अगर आपको दिया रहे, सपोज करिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि ए ए प्लस बी बी इससे बन रहा है सी प्लस डी, अब इस इक्विलिब्रियम पे इस इक्वेशन का आप लास्ट इक्वेशन लिखिए तो भी आप लिख सकते हैं, पहले इसको फटाफट नोट कर लीजिए फिर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी इक्विलिब्रियम स्टेट, सी प्लस डी ऐसी कंडीशन में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, ऐसे केस में हमको ई सेल लिखना है या नर्व इक्वेशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि ये जो है ऑक्सीडाइज होकर के इसको बना रहे हैं, तो आप ऐसे लिखिए कि ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को दिख नहीं रहे हैं, एन लॉग सी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन लॉग ए टू दी पावर ए और लॉग बी टू दी पावर बी, या आप इसको कहिए कि ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, ये क्या है केसी है, लॉग केसी है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से केसी की भी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये मिल गया आपको क्वेश्चन।
हम लोग अभी नेक्स्ट इक्वेशन को अच्छे से सीखे हैं और इसमें हमने ये सीखा है कि कैसे हम लोग ई सेल को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि अभी भी इस पर न्यूमेरिकल हमने डिस्कस करना नहीं किया है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक में या अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, जय हिंद।